तरंग प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत हमने न्यूटन का कणिका सिद्धांत, न्यूटन का आइगन का तरंग सिद्धांत, तरंगाग्र, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण इत्यादि के बारे में जाना है। अब उसी को एक सारांश की तरह अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर रिकैप करते हैं, सबसे पहले देखते हैं सारांश के रूप में न्यूटन का कणिका सिद्धांत। क्योंकि अब हमको पता है प्रकाश दो तरह से व्यवहार करता है, कहीं वह कण की तरह व्यवहार करता है तो कहीं तरंगों की तरह वह व्यवहार करता है। तो उसी पर आधारित है, इस प्रकृति को अपन कहते हैं प्रकाश की द्वैती प्रकृति। प्रकाश की द्वैती प्रकृति में प्रकाश कहीं कणों की तरह व्यवहार करता है तो कहीं पर तरंग की तरह व्यवहार करता है। तो जहाँ प्रकाश कण की तरह व्यवहार करता है उसको दृष्टिगत रखते हुए न्यूटन ने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम है न्यूटन का कणिका सिद्धांत। न्यूटन के कणिका सिद्धांत के आधार पर प्रकाश कणिकाओं के रूप में आगे संचरित होता है, आगे बढ़ता है। इसके आधार पर न्यूटन ने बताया था कि प्रकाश कणों के रूप में आगे बढ़ता है और ये जो कणिकाएं जो होती है, ये कण जो होते हैं, ये बहुत ही अत्यंत सूक्ष्म होते हैं और इनका जो द्रव्यमान है वह लगभग शून्य होता है। और यहाँ पर जो प्रकाश का जो रंग है या विभिन्न रंगों का जो आभास जो होता है वह कणिकाओं के विभिन्न आकार के कारण होता है। तो यह था न्यूटन का कणिका सिद्धांत। अब इसके पश्चात चूँकि हमको पता है प्रकाश तरंगों की तरह भी व्यवहार करता है, तो प्रकाश तरंगों की तरह व्यवहार करता है इससे संबंधित आइगन ने एक नियम बताया था जिसे हम आइगन का तरंग सिद्धांत कहते हैं। आइगन का तरंग सिद्धांत। आइगन के तरंग सिद्धांत के आधार पर जो प्रकाश है वह तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है और इन तरंगों का जो वेग जो होता है वह मूल तरंगों के वेग के बराबर होता है। और निर्वात में यहाँ पर इसका जो वेग जो होता है वह होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और यहाँ पर जो रंगों का जो आभास जो होता है वह तरंग दैर्ध्य में अंतर के कारण होता है। अलग अलग प्रकाश के लिए रंगों का जो अलग अलग प्रकाश के रंगों का जो तरंग दैर्ध्य होता है वह अलग अलग होता है और तरंग दैर्ध्य में अंतर के कारण यहाँ पर हमें कौन सा प्रकाश कौन से रंग का होगा इस बात की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद हमने देखा था तरंगाग्र के बारे में। तरंगाग्र किसी क्षण विशेष पर माध्यम की वह सतह होती है जिस पर उपस्थित कण समान कला में कंपन करते हैं। मतलब तरंगाग्र किसे कहते हैं? किसी क्षण विशेष पर माध्यम की वह सतह जिसमें उस पर उपस्थित कण समान कला में कंपन करते हैं उसे हम उस सतह को हम तरंगाग्र कहते हैं। और इसके जो प्रकार हैं तरंगाग्र के प्रकार, जैसे गोलीय तरंगाग्र, वृत्तीय तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र और समतल तरंगाग्र। गोली तरंगाग्र जब स्रोत बिंदुवत होता है और स्रोत से सीमित दूरी पर यदि तरंगाग्र बनता है तो उसे हम गोली तरंगाग्र कहते हैं। और यदि कोई तरंग किसी समतल में गति करे और तरंग स्रोत बिंदुवत हो तो उस स्थिति में जो तरंगाग्र बनता है उसे वृत्ति तरंगाग्र कहते हैं। सीमित दूरी पर बनने वाला तरंगाग्र है यह भी।
अब यदि प्रकाश स्रोत रैखिक हो और सीमित दूरी पर यदि तरंगाग्र बन रहा है तो वह बेलनाकार तरंगाग्र होता है, और यदि जब समतल तरंगाग्र बनता है तो इसके लिए स्रोत की कोई कंडीशन नहीं होती। स्रोत बिंदुवत भी हो सकता है, रैखिक भी हो सकता है, लेकिन जब तरंगाग्र जो बनता है वह ज़्यादा दूर बनता है, मतलब असीमित दूरी पर बनता है, तो उस स्थिति में जो तरंगाग्र बनता है उसे हम समतल तरंगाग्र कहते हैं। इसके बाद हमने देखा था आइगन की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। आइगन की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। आइगन की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत में तरंगाग्र कैसे आगे बढ़ते हैं, तरंग कैसे आगे बढ़ता है उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर तरंगाग्र का जो प्रत्येक बिंदु जो होता है वह तरंग स्रोत की तरह कार्य करता है, और प्रत्येक बिंदु से तरंगिकाएं निकलती हैं जिन्हें हम द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। और ये द्वितीयक तरंगिकाओं का जो वेग जो होता है वह जो मूल तरंग का जो वेग होता है उसके बराबर होता है, उसी वेग से ये द्वितीयक तरंगिकाएं आगे की ओर बढ़ती हैं। और किसी क्षण इस पर बाहर की ओर जो खींचा गया जो अनवा लोभ जो होता है, या उसे कह सकते हैं स्पर्शी पृष्ठ, वह स्पर्शी पृष्ठ तरंगाग्र की अगली स्थिति को प्रदर्शित करता है। यह आइगन की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत है। तो आइगन की द्वितीयक तरंगिकाओं में तरंगाग्र कैसे आगे बढ़ता है उसके बारे में बताया गया है। अब इसके बाद आगे अपन देखे थे अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत होता है जब दो या दो से अधिक तरंगे माध्यम में किसी एक ही दिशा में गतिशील होती हैं, तो उस स्थिति में ये तरंगे जब माध्यम के किसी एक बिंदु पर जाकर के मिलती हैं तो उस स्थिति में इनका जो परिणामी जो विस्थापन जो होता है वह तरंगों के अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। यदि हम इसे देखना चाहें गणितीय रूप में तो ये प्राप्त होता है हमको y बार इज इक्वल टू y1 बार प्लस y2 बार प्लस y3 बार प्लस एंड सो ऑन आगे डैश। इसका मतलब ये है y बार यह परिणामी विस्थापन है, y1 बार पहले तरंग के लिए विस्थापन है, y2 बार दूसरे तरंग के लिए विस्थापन है, y3 बार ये तीसरे तरंग के लिए विस्थापन। तो इनका जो सदिश योगफल जो होता है वह परिणामी विस्थापन के बराबर होता है। तो यह अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। इसके बाद हमने देखा था प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण अध्यारोपण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके बारे में जानते हैं एक बार पुनः। प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें दो समान आवृत्ति और लगभग समान आयाम की तरंगें एक ही दिशा में गति करती हैं तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। तो इस घटना को हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण के लिए यहाँ पर कुछ शर्तें भी हैं। व्यतिकरण के लिए जो दोनों जो प्रकाश स्रोत जो होते हैं उनकी आवृत्ति को समान होना चाहिए, उनके आयाम को लगभग समान होना चाहिए, और दोनों तरंगों को एक ही दिशा में गति करना चाहिए, और दोनों जो प्रकाश स्रोत जो होते हैं उन्हें कला संबंध स्रोत होना चाहिए,
तो ये व्यतिकरण की कुछ शर्तें हैं। इसके पश्चात हमने देखा था प्रकाश का व्यतिकरण दो प्रकार से होता है। एक होता है संपोषी व्यतिकरण और इसका दूसरा प्रकार होता है विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण जब माध्यम के किसी सतह पर दोनों तरंगें समान कला में यदि मिलती हैं तो उस स्थिति में जो व्यतिकरण जो होता है वह संपोषी व्यतिकरण होता है, और जब ये तरंगें विनाशी व्यतिकरण कब उत्पन्न करती हैं, जब ये दोनों तरंगें विपरीत कला में मिलती हैं तो उस स्थिति में विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न होता है। संपोषी व्यतिकरण में प्रकाश की तीव्रता मैक्सिमम होती है जबकि विनाशी व्यतिकरण में प्रकाश की तीव्रता मिनिमम या न्यूनतम होती है। और यदि मान लो दोनों तरंगों का आयाम बराबर हो तो उस स्थिति में विनाशी व्यतिकरण में प्रकाश की तीव्रता शून्य हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर हम यदि दो तरंगें प्रकाश का व्यतिकरण कर रही हैं, मतलब वहाँ पे प्रकाश का व्यतिकरण हो रहा है, तो उसमें जो परिणामी जो आयाम है उसके लिए सूत्र हमने देखा था, परिणामी आयाम जिसको अपन कैपिटल आर से नोट करते हैं, तो कैपिटल आर बराबर हमको प्राप्त हुआ था रूट ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाई। ये परिणामी आयाम आर के लिए फार्मूला है जहां ए वन पहले तरंग का आयाम है, ए टू दूसरे तरंग का आयाम है और फाई दोनों तरंगों के बीच कलांतर है। और यहाँ पर परिणामी तीव्रता के लिए जो हमने व्यंजक प्राप्त किया था वो हमको प्राप्त हुआ था परिणामी तीव्रता, क्योंकि हमको पता है प्रकाश की तीव्रता I तरंग के आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, I अनुक्रमानुपाती R का वर्ग होता है। तो इस सूत्र से हमें यहाँ पर परिणामी तीव्रता प्राप्त होता है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2K A1 A2 cos phi। ये परिणामी तीव्रता का व्यंजक होता है। यहाँ पर I1 पहले तरंग की तीव्रता है, I2 दूसरे तरंग की तीव्रता है, A1 पहले तरंग का आयाम है, A2 दूसरे तरंग का आयाम है और फाई इन दोनों तरंगों के बीच कलांतर है। तो ये परिणामी तीव्रता के लिए व्यंजक होता है। यहाँ पर हम संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण दोनों के लिए कलांतर और पथांतर का मान कितना होता है इसे हम प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए भी सूत्र देखते हैं। पहले अपन देखते हैं संपोषी व्यतिकरण के लिए, पहले हम देखते हैं संपोषी व्यतिकरण के लिए। संपोषी व्यतिकरण में दोनों तरंगों का के बीच जो कलांतर जो होता है समान होता है, मतलब समान कला में। संपोषी व्यतिकरण के लिए कंपन समान कला में होते हैं। तो यहां कलांतर फाई जो होता है यह पाई का सम गुणज होता है, और यहां पर जो पथांतर जो हमको प्राप्त होता है उसके लिए फार्मूला हमने स्थापित किया था, पथांतर डेल इज इक्वल टू 2n इंटू लेमडा बटे 2। संपोषी व्यतिकरण के लिए
लेमडा बटे टू का जो सम गुणज होता है वह पथांतर के बराबर होता है। इस स्थिति में कंपन समान कला में होते हैं। और विनाशी व्यतिकरण के लिए कंपन विपरीत कला में होते हैं। विनाशी व्यतिकरण के लिए कंपन विपरीत कला में होते हैं और यहाँ कलांतर फाई बराबर ये पाई का विषम गुणज होता है 2n-1 × π। यहाँ पर n के मान हम क्रमशः 1, 2, 3, 4 आगे रख सकते हैं तथा पथांतर डेल बराबर यहाँ पर हमको प्राप्त होता है 2n-1 × λ/2। विनाशी व्यतिकरण की स्थिति जिसमें कंपन विपरीत कला में होते हैं यहाँ जो पथांतर का जो मान होता है वह λ/2 का विषम गुणज होता है। और संपोषी व्यतिकरण के लिए जो शर्त है पथांतर यहाँ पथांतर का मान λ/2 का सम गुणज होता है। यहाँ पर n का मान हम क्रमशः 1, 2, 3 आगे तक रख सकते हैं। तो ये तो था प्रकाश का व्यतिकरण। इसके बाद हमने देखा था यंग के प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई। यंग के प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई। फ्रिंज चौड़ाई क्या होता है? किन्हीं भी दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजें और किन्हीं भी दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की जो दूरी जो होती है उसे फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं, जिसे हम बीटा से दर्शाते हैं। और बीटा इज इक्वल टू होता है लेमडा कैपिटल डी बटे स्मॉल डी, जहाँ लेमडा प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है, डी दोनों स्लिटों से पर्दे के बीच की दूरी है और स्मॉल जो डी है वह दोनों स्लिटों के बीच की दूरी है। तो फ्रिंज चौड़ाई के लिए फार्मूला हमको प्राप्त होता है बीटा इज इक्वल टू लेमडा डी बटे स्मॉल डी। यहाँ पर जो पथांतर का जो मान प्राप्त होता है यंग के प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई में जो पथांतर का जो मान होता है यहाँ पथांतर डेल बराबर हमको मिलता है, ये प्राप्त होता है x(d/D)। थॉमस यंग के जो प्रयोग है उसमें जो पथांतर का जो मान होता है डेल का मान प्राप्त होता है हमको x(d/D), जहाँ x केंद्रीय जो दीप्त फ्रिंज है उससे जहाँ पर फ्रिंज बन रहा है दीप्त फ्रिंज उसकी दूरी है और डी दोनों स्लिटों के बीच की दूरी है और कैपिटल डी दोनों स्लिट से पर्दे के बीच की दूरी है। तो ये पथांतर के लिए फार्मूला है। इसके बाद हमने यहाँ पर देखा था एनवे दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी, एनवे दीप्त फ्रिंज की दूरी है ये कहाँ से? केंद्रीय फ्रिंज से। केंद्रीय फ्रिंज से जो दीप्त फ्रिंज जो बनेगा एनवा दीप्त फ्रिंज वो कितनी दूरी पर बनेगा, इसके लिए फार्मूला है एक्स एन
बराबर एन इंटू लेमडा कैपिटल डी बटे स्मॉल डी। तो यहाँ पर एनवे दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से जो दूरी जो होती है वह होती है एक्स एन बराबर एन इंटू लेमडा इंटू कैपिटल डी बटे स्मॉल डी। यहाँ पर सभी के संकेत हमको पता है, एक्स एन एनवे दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी है, एन उसका क्रम है, लेमडा प्रकाश का तरंग दैर्य है, डी आपका दोनों स्लिटों से पर्दे की दूरी है और स्मॉल डी दोनों स्लिटों के बीच की दूरी है। इसी प्रकार एनवे अदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी भी हमने ज्ञात किया था, तो एनवे अदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी ये हमको प्राप्त होता है एक्स एन बराबर 2n माइनस 1 बटे 2 इंटू लेमडा कैपिटल डी बटे स्मॉल डी। 2n माइनस 1 बटे 2 इंटू लेमडा कैपिटल डी बटे स्मॉल डी। इसके बाद हम प्रकाश के विवर्तन के बारे में जाने थे तो उसको भी देख लेते हैं एक बार। प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन क्या होता है? प्रकाश का तीक्ष्ण धार वाले किनारों पर मुड़ जाना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। ये विवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फ्रेनेल विवर्तन, दूसरा होता है फ्रानहाफर विवर्तन। जो रिजुकोर द्वारा जो विवर्तन होता है वह फ्रेनेल विवर्तन होता है और जो एकल स्लिट द्वारा जो विवर्तन जो होता है वह फ्रानहाफर विवर्तन होता है। यहाँ पर जो एकल स्लिट द्वारा जो होने वाले जो विवर्तन है उससे संबंधित हमने कुछ सूत्र की स्थापना की थे, उसमें से था प्रथम निम्निष्ठ के लिए, प्रथम निम्निष्ठ के लिए जो पथांतर जो होता है वो होता है डी साइन थीटा बराबर लेमडा। ये प्रथम निम्निष्ठ के लिए पथांतर का मान है। एनवे निम्निष्ठ के लिए इसी को हम लिख सकते हैं, एनवे निम्निष्ठ के लिए पथांतर ये हो जाता है डी साइन थीटा एन बराबर एन एम टू लेमडा। इसी प्रकार निम्निष्ठों और उच्चिष्ठों की स्थिति भी अपन ज्ञात कर किए थे, तो यहाँ पर निम्निष्ठों की स्थिति के लिए जो फार्मूला है वह इस सूत्र से दिया जाता है, निम्निष्ठों की स्थिति। तो निम्निष्ठों की स्थिति के लिए फार्मूला जो दिया जाता है वह है वाई एन इज इक्वल टू एन इंटू लेमडा डी बटे स्मॉल डी, जहाँ वाई एन केंद्रीय उच्चिष्ठ से एनवे निम्निष्ठ की दूरी है। इसी प्रकार उच्चिष्ठों की स्थिति, उच्चिष्ठों की स्थिति को निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं हम, यहाँ पर यह होता है वाई एन डैश से डिनोट कर सकते हैं, वाई एन डैश बराबर होता है ये 2n प्लस 1 बटे 2 इंटू लेमडा कैपिटल डी बटे स्मॉल डी, जहाँ वाई एन डैश केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से उच्चिष्ठ की दूरी है, द्वितीय उच्चिष्ठ, उच्चिष्ट मतलब द्वितीय उच्चिष्ठ है यहाँ पर। इसके बाद हमने देखा था प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का ध्रुवण प्रकाश तरंग का प्रकाश संचरण की दिशा के
जो लंबवत है, प्रकाश तरंग का तरंग संचरण के दिशा के लंबवत सममिति में जो कमी जो होता है उसे हम प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश तरंग का तरंग संचरण की दिशा के लंबवत चारों ओर सममिति में कमी प्रदर्शित करना प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है। प्रकाश का ध्रुवण केवल अनुप्रस्थ तरंगों में ही होता है, अनुदैर्ध्य तरंगों में नहीं होता। इस बात का ध्यान रखेंगे, प्रकाश का ध्रुवण केवल अनुप्रस्थ तरंग ही व्यक्त करता है, अनुदैर्ध्य तरंगों में प्रकाश का ध्रुवण नहीं होता। और यहाँ पर ब्रूस्टर का नियम भी हमने देखा था। ब्रूस्टर के नियम के आधार पर होता है किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू ध्रुवण कोण आईपी के टेंजेंट के बराबर होता है। यह होता है, यह कहलाता है ब्रूस्टर का नियम। ब्रूस्टर के नियम से किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू ध्रुवण कोण आईपी के टेंजेंट या स्पर्शज्या के बराबर होता है, अर्थात हमको प्राप्त होता है म्यू इज इक्वल टू टेन आईपी। ये कहलाता है ब्रूस्टर का नियम। इसके बाद पोलेराइट, पोलेराइट क्या होता है? यह समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की सबसे सस्ती और सरल युक्ति है। समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की सबसे सरल एवं सस्ती युक्ति को पोलेराइट कहा जाता है। और इसका उपयोग क्या है? यह प्रकाश की चकाचौंध को समाप्त कर देता है। रात्रि में आमने सामने से जाने वाले मोटर वाहनों को सुरक्षित पार करने में सहायता करता है। धातुओं के प्रकाशीय गुणों का अध्ययन इसकी सहायता से किया जा सकता है। कोई प्रकाश ध्रुवित है या अध्रुवित है इसकी जानकारी हमें पोलेराइट से प्राप्त होती है। तीन विमा वाले जो चित्र हैं उनको देखने के लिए भी पोलेराइट का उपयोग किया जाता है। पोलेराइट युक्त जो कैमरे होते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में भी पोलेराइट का उपयोग किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसकी भी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। जैसे देखिए, एक प्रश्न है, जब इसको लिख लेते हैं, जब कम ऊंचाई पर उड़ता हुआ वायु यान ऊपर से गुजरता है तो टीवी के स्क्रीन ये कुछ हिल स्क्रीन में चित्र कुछ हिलते हुए दिखाई देते हैं। क्यों? ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। जब कम ऊंचाई पर उड़ता हुआ वायुयान ऊपर से गुजरता है तो टीवी के स्क्रीन में चित्र कुछ हिलते हुए दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीजन है, जब कम ऊंचाई पर कोई वायुयान उड़ता है तो उस स्थिति में जो टीवी के जो सिग्नल है वो उससे परावर्तित हो जाते हैं। और जो जो मूल सिग्नल जो है, टीवी का जो मूल सिग्नल है और जो परावर्तित सिग्नल है, इन दोनों सिग्नलों के बीच व्यतिकरण हो जाता है। और इस व्यतिकरण हो जाने के फलस्वरूप जो टीवी के स्क्रीन के जो चित्र हैं हिलते हुए हमें
दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका रीजन प्रकाश का व्यतिकरण है। जब कम ऊंचाई पर उड़ता हुआ वायुयान ऊपर से गुजरता है तो टीवी के स्क्रीन में चित्र कुछ हिलते हुए दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है, इसमें प्रकाश का व्यतिकरण होता है। तो किन किन प्रकाश का व्यतिकरण होता है, जो टीवी का जो सिग्नल है वह परावर्तित हो जाता है पहली स्थिति, और जिसका जो मूल सिग्नल है वो परावर्तित सिग्नल और मूल सिग्नल दोनों के बीच व्यतिकरण हो जाता है और हमें टीवी के जो चित्र हैं वो हिलते हुए दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से एक और प्रश्न है, जैसे अभी मैं बताया था आप लोगों को ध्रुवण की घटना के बारे में, ध्रुवण केवल अनुप्रस्थ तरंगों में ही होता है, अनुदैर्ध्य तरंगों में नहीं होता। तो अनुदैर्ध्य तरंगों में ध्रुवण की घटना क्यों नहीं होती, इसको हम कैसे बता सकते हैं, क्योंकि हमको पता है अनुदैर्ध्य तरंगों में जो कंपन जो होता है वह तरंग संचरण की दिशा में ही होता है। अनुदैर्ध्य तरंगों में जो कंपन जो होता है वह तरंग संचरण की दिशा में ही होता है, इस कारण अनुदैर्ध्य तरंगों में ध्रुवण की घटना नहीं होती। ध्रुवण की घटना केवल किस में होती है, अनुप्रस्थ तरंगों में होती है। और अनुप्रस्थ तरंगों में क्यों होती है, क्योंकि अनुप्रस्थ तरंगों में जो कंपन होता है वह कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। अनुप्रस्थ तरंगों में जो कंपन जो होता है वह कैसा होता है, तरंग संचरण की दिशा में, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है, इसलिए वहाँ पर प्रकाश का ध्रुवण होता है। जबकि अनुदैर्ध्य तरंगों में जो कंपन जो होते हैं वह तरंग संचरण के दिशा के अनुदिश अर्थात तरंग संचरण की दिशा में ही होता है, इसलिए वहाँ पर ध्रुवण की घटना नहीं होती है। इसी प्रकार से है, अब इसी में ध्रुवण से ही संबंधित एक और प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, प्रकाश तरंगे ध्रुवित की जा सकती हैं लेकिन ध्वनि तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता। प्रकाश तरंगों को ध्रुवित किया जा सकता है लेकिन ध्वनि तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता, इसका हम रीजन कैसे बताएंगे। तो हम इसका रीजन ऐसा बता सकते हैं, प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं जबकि ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, इसलिए प्रकाश की जो तरंगे हैं उसमें ध्रुवण होता है और ध्वनि तरंगे चूंकि अनुदैर्ध्य तरंगे हैं इसलिए इसमें प्रकाश का ध्रुवण नहीं होता, ऐसा रीजन दे सकते हैं। इसी प्रकार पोलेराइड से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है, धूप के चश्मे जो पोलेराइड के बने होते हैं वो रंगीन कांच से बने चश्मों की अपेक्षा अधिक उपयोगी होते हैं, ऐसा क्यों। पोलेराइड से बने हुए जो चश्मे जो होते हैं वह साधारण कांच से बने हुए चश्मों से ज़्यादा उपयोगी होते हैं, तो इसका रीज़न क्या होता है, ज़्यादा उपयोगी होने का कारण ये है कि जो पोलेराइड से बने हुए जो चश्मे जो होते हैं वे प्रकाश की चकाचौंध को ख़त्म कर देते हैं, जबकि साधारण जो कांच के बने हुए जो चश्मे होते हैं प्रकाश की चकाचौंध को ख़त्म नहीं कर पाते, इसलिए निश्चित रूप से जो पोलेराइड से बने हुए जो चश्मे होंगे वो ज़्यादा उपयोगी होते हैं। तो इस प्रकार से हमने पूरी तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत हमने देखा न्यूटन का कणिका सिद्धांत, आइगन का तरंग सिद्धांत, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण, ब्रूस्टर का नियम और पोलेराइड, इन सारी टॉपिक्स के बारे में हमने जानकारियाँ ली। तो इस प्रकार से यह जो यूनिट है तरंग प्रकाशिकी यह समाप्त होता है। धन्यवाद।